दोस्तों देखिए हम हमारी चौलाई के साग तैयार हो गई है। अब हमें साग को उनको निकाल रहे हैं। अब इसको हम ऊपर से काट लेंगे और ये नीचे से फेट बना जाएंगे। हरी चौलाई के भी साग हो गए। ये कितना बढ़िया। ये देखिए हमारे पास बहुत सारा पालक के और चौलाई के साग हो रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया पालक साग हो रही है हमारे। दोस्तों देखिए हमारी ये मूली भी हो रही है। देखिए कितना सुंदर मूली का पौधा हो रहा है। देखिए बहुत सारा मूली हो रखी थी सारा गर्मियों में। सब मूली गर्मियों में धूप में चल गया। ये देखिए दोस्तों ये पालक के साग है। ये हरी चौलाई वो लाल साग है चौलाई के। ये हरी चौलाई के साग है। अभी हमारे पास बहुत साग है और फिर हम थोड़े थोड़े करके दोस्तों देखिए ये पालक अभी हमारा पालक भी और भी सारा है। ये चौलाई के साग लाल साग है। ये हरा साग है।
देखिए अभी मेरे पास बहुत है, बहुत सारा है। अभी देखिए ये हो रहे हैं, ये पालक भी हो रहा है। ये पालक फिर बढ़ेगा तो हम थोड़े थोड़े करके सब निकालेंगे। एक दिन में सटेगा नहीं, थोड़ा थोड़े निकालिए हम इनको बनाएंगे सब्जी। इनको आलू ने घेर के बनाइए, खाली बना के खाइए या पराठे बनाइए, सलाद में भी पड़ती हैं ये। देखिए कितना सुंदर हो रहे हैं। Thank you.